पटना के दानापुर स्थित शाहपुर थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। बच्चों के बीच हुए विवाद के कारण इस गोलीबारी में दो की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शाहपुर के नीतीश आहर के रहने वाले मुन्ना यादव और विनोद यादव के बीच गोलीबारी हुई। तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। घटना कल 9 बजे रात की है। पारिवारिक विवाद, दो बच्चों के बीच लड़ाई को लेकर के बात विवाद बात आगे बढ़ी जिसमें गोलीबारी की घटना दोनों तरफ से हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और एक व्यक्ति की मृत्यु इलाज के क्रम में पीएमसीएच में हो गई है। दो व्यक्ति जख्मी हैं जिसका इलाज पटना हाईटेक अस्पताल में चल रहा है। आवेदन अप्राप्त है। आवेदन बेतिया में सोमवार की देर शाम से लापता एक महिला का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। महिला के शरीर पर कई जख्म के निशान मिले हैं जिसे लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित बतना गांव की रहने वाली मेहरुन्निशा देर शाम अचानक गायब हुई। अगले दिन सुबह उसकी लाश गाँव के बाहर मिली। मृतका का पति दिल्ली में काम करता है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गोली बहरी नू यानी बहरी गोली फोन से बतियाव तब के बुलावल का भई ये अपना बता सकत नहीं। साँझे हाल भैल कहाँ गई नजर गई कि कहाँ गई ना तो ना पता लागल तो हमी सवेरे सूत के उठनी है सब मुर्गी हमी बेचे नहीं सब मुर्गी बेचे जा तो नहीं सब तब गाँव में पता लागल जो उन्हें लाश पड़ल बा। हाँ तो गौवा से गहनी सन तो बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र में फंदे से लटकी एक विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान बड़ी बलिया निवासी संजर की पत्नी राजदा खातून के रूप में हुई। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 5 साल पहले राजदा खातून की शादी बड़ी बलिया निवासी मोहम्मद संजर के साथ धूमधाम से हुई लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसके ससुराल वाले 5 लाख की मांग कर रहे थे जिसे नहीं देने पर अक्सर मृतका को प्रताड़ित किया जाता था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। दबंगों को कानून का डर नहीं रह गया है, इसी का उदाहरण है सहरसा में घटी एक घटना। दरअसल सिमरी बख्तियारपुर के बिलवारा गांव में अश्लील गाना बजाने पर विवाद हुआ और दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर दबंगों ने एक बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी और इस दौरान लाठी डंडा और धारदार हथियार से भी एक दूसरे पर वार किया गया। बुजुर्ग का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है तो वहीं से घटना का वीडियो किसी ने वायरल भी कर दिया है। दरवाजे पे डीजे बजा रहा था, उसके हम बावजूद मना करते हुए बावजूद वो फौसा उसा लेके हमारे नज़दीक आ गया। ईटा पत्थर लोहरा सब चला ना के थे, बोला असल पे गाना नहीं बजाओ इसी कारण ही वो बोला कि डीजे बजेगा या हमको देखते हैं कौन मारने वाला है क्या करने वाला। वो शराब पी कर धूप था उसको हम बावजूद। संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों में जमकर मारपीट हुई है। घटना शेखपुरा के बेटा गाँव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दो भाइयों के बीच लंबे वक्त से संपत्ति विवाद चला आ रहा है और इसी कड़ी में अचानक ये विवाद हिंसक रूप ले लिया। दोनों भाइयों और उनके परिवार के बीच हुई मारपीट में एक महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो वहीं एक पक्ष के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर पथराव शुरू कर दिया जिससे घबराए डॉक्टर मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया। मोकामा थाना क्षेत्र के मोर गांव में असामाजिक तत्वों ने गेहूं के खेत में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सारी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान ने बताया कि अगलगी के कारण उसे बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस मामला संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई में जुटी है। नालंदा के बींद थाना क्षेत्र स्थित जक्की गांव में अपराधियों ने एक ठेकेदार की हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ठेकेदार के पास 20,000 रुपए थे जिसकी भनक कुछ लोगों को लग गई और अपराधियों ने पहले ठेकेदार से दोस्ती की और फिर जमकर शराब पिलाई।
संभावना जताई जा रही है कि शराब पिलाने के बाद अपराधियों ने ठेकेदार की पीट पीट कर हत्या करने के बाद रुपए लेकर फरार हो गए। तो हत्या किया गया है कि पिला खिला के पैसा के लालच में उसको उधर ले जाके मार दिया गया। प्रशासन के मुआवजा मांगते हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से खाएंगे।